सोफे की गोदाम में भीषण आग, आग की लपटें निकलती देख अफरा तफरी मची। गोदाम में रखे दो सिलेंडर हुए ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट की संभावना। नसियाजी रोड स्थित एक सोफे के गोदाम में आज भीषण आग लग गई। आग की लपटें गोदाम के बाहर तक निकलती दिखाई दी। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना के बाद अग्निशमन की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रख दो गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। मिली जानकारी के अनुसार शहर के साड़ी महल स्थित छाबड़ा हैंडलूम फर्म का नसियाजी रोड पर सोफे का गोदाम है। इस गोदाम में लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है। शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे गोदाम में आग लग गई। गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दो गाड़ियां दमकल की पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मचारी के अनुसार आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम के अंदर रखे दो गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। हालांकि असल नुकसान बाद में ही पता चलेगा। वहीं आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फायर ब्रिगेड रिवाड़ी, मुझे सूचना मिली कि जैन पब्लिक स्कूल के पास दुकान में आग लगी है। तुरंत अपनी टीम के साथ आए और हमने मौके पर आकर के आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। उसके अंदर दो सिलेंडर थे वो फट गए और ये जो इसका मटेरियल था कुछ और गद्दे गादे जो भी इनका सामान बनता था और मशीन और कपड़े जल गए और या थोड़ा बहुत घर में भी नुकसान हुआ। बिल्डिंग भी शॉर्ट सर्किट का बताया है मालिक ने। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड दो टेंडर आए थे यहाँ पर फायर ब्रिगेड के और एक से दो ही लग गई लगभग। कितने का यहाँ पे नुकसान लगता था? लगभग तो इन्हें लिखवा नहीं हमारे को, देखने मशीन पर लिखवाई है सिलाई और ये गद्दे गद्दे लिखवाए हैं और बस ये सिलेंडर।